की दौलत को वापस आए कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ मैं नहीं ये ना अगर मैं पीछे देखू तो कोई मेरे साथ ना हो थोड़ा रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो आज फैसला कर ले और इन पतों को पाँछ पाँछ कर दे दिन रात करप्शन हो रही है और सबसे बड़ा नवाज शरीफ तुमने लूटा है सदियों गर्दारी नवाज शरीफदारी होगी वेलकम बैक टू एजेंडा 360 शेख रशीद अहमद साहब बात कर रहे थे मिनिस्टर्स के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने हिना रब्बानी खर जो कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके हवाले से बात की और लेकिन साथ साथ एक पासिंग कमेंट दिया कि इंडिया में उनकी कारदगी तो जो थी सो थी लेकिन एक मॉडल की तरह भी वो उभरी सामने और मुझे लगा कि जैसे शेख साहब जो है उसमें कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान या अवामी जो सोच है पाकिस्तान में उसकी शायद नुमाइंदगी कर सकती है शेख साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर है उसका जो कॉस्मेटिक एक तरह से डिप्लोमेटिक काम होता है अगर उसको करने में भी इसमें उन्हें सहूलत हो तो अच्छी चीज़ें पहनना अगर वो ज़ाहिर है कि करप्शन के पैसों से ना ली गई हो और अजमशन या मैं यही रखूँगा कि आ, उनकी चीज़ें जो हैं वो इल गॉटन वेल्थ की नहीं हैं तो फिर इसमें हर्ज क्या है देखें मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में एक वक्त था जुल्फकार अली भुट्टो वेल ड्रेस आदमी थे कायदे आजम वेल ड्रेस आदमी था नो हाम सरजफरल्ला आपके मुशरफ राइट अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कश्मीर में एक जब ब्रसल में जाए भीख मांगने के लिए और वहाँ इंडिया में ये खबर कश्मीर में ये ख़बर और इंडिया में जो खबर गई है पहले तो ये देख लें कि इंडिया में भी तीन वजीर करप्शन में जेल में है पाकिस्तान में एक वजीर जेल में है तीन जाने वाले हैं जब भी एत होगा ये जाएंगे सो ये पाकिस्तान और इंडिया की सियासत इस वक्त दोनों की करप्शन के गर्द घूम रही है और दोनों जगहों पर सियासतदान कोई को इज़्ज़त का मुकाम हासिल नहीं है जब वो कहते हैं कि एक लाख डॉलर का बैग था तो ये खबर जो है ये उस इलाके से जहाँ सैलाब में अभी तक लोग आबाद नहीं हो सके जहाँ वो रिप्रेजेंट करती हैं ये इंडिया के माहौल में और कश्मीर के माहौल में जहाँ जिसकी वो बात करने गई वहाँ कोई काबिल कबूल नहीं बनी एक रिजनेबल चीज़ जो थी मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बुरी बात है औरत बनी सवरी ही अच्छी लगती है लेकिन एक हद तक जो पैगाम गया जो उनकी रेट लिस्ट छपी है इंडिया के अखबारों में और जिसका हाईलाइट किया गया मैं समझता हूँ वो कोई मुनासिब नहीं थी एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कश्मीर में मैं कश्मीर के हालात से बाखबर हूँ वहाँ ये सिग्नल बेहतर तौर पर तो नहीं ये लाल हवेली में जिन लोगों से आप मिलते हैं उन्होंने क्या इस तरह का इजहार किया कि जैसे उन्हें लगा कि कितने डिटैच्ड हैं हमारे रूलर्स हमसे कि उनकी रियालिटीज़ देखें और हमारी हमारे हालात देखें और बात करते हैं हमारे हालात से रिलेट करने की हमारे हालात दुरुस्त करने की और ख़ुद एक उनका बैग जो है वो उतने का जितना हमारे दो साल की हमारी कमाई है तो इसको क्या बहुत बुरी तरह दो साल की नहीं पूरे साल, साल की कमाई लाख रुपए साल होता आप ठीक जगह आप ठीक ही पहुंच गए हैं बस इसको यहीं तक रहने दिया जाए ठीक है शेख साहब अब कुछ आखिरी लम्हा क्योंकि हैं तो आगे की बात करने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो सियासत जहां खड़ी है कुछ आपकी तरफ से अगर प्रडिक्शन हो जाए तो मजा आए थोड़ा इस तरह नहीं चल सकता जो मर्जी ये कर ले सारी असम्बली को साथ ले लें सारे ब्योक्रेट्स को ले लें सारी जुडिशरी को ले लें सारी फौज को साथ ले लें इस तरह मुल्क नहीं चल रहा है और ऐसे इस मुल्क में दर्दमंद लोग हैं जिनको मुल्क की फिक्र लाक हो चुकी है शेख साहब मैं, मैं कहता हूं सर कि के ऐसे ही चलेगा जब तक कि नवाज शरीफ साहब जैसे अपोजिशन में हो मैं इससे भी इत्फाक करता हूं कि नवाज शरीफ साहब को अपनी सियासत का जायजा लेना होगा क्योंकि हमारी मुल्क की बदनसीबी यह है कि ये सारे लीडर वो हैं जो हादसों की पैदावार थे और आल ऑफ़ सडन ये अदारों की पैदावार थे एक जुमला मेरा बड़ा मशहूर है मैं फिर दोहराता हूँ पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो फ़ौजी नर्सरियों से पैदा होकर ना आया हो जब वो दरख्त बनता है तो वो उसी स्टैबलिशमेंट को आँखें दिखाता है और ये सारे चोटी के सियासतदान जो हैं ये सारे कॉलेजों में स्पोर्ट्स और पैसे की डोनेशन की बुनियाद पर इन्होंने दाखिले लिए कोई इनकी तालीमी कफियत बड़ी मैारी या बड़ी जानदार नहीं थी कि आप ये कहें कि अब ये सारे बी ए फेल तो कमरान और बी ए पास टैक्सी चलाए और फिर हमारी वजारतें जो हैं या वजी जो हैं वो एक एक लाख डॉलर के पर्स लेकर फिरें तो ये बातें लोगों के दिल को चुपती हैं वो समझते हैं कि यार दे आर नॉट लेकिन सर ठीक ठीक सर लेकिन देखिए फॉरन नहीं होगा क्या नहीं अगर आप फॉरन फॉरन आइडियोलॉजी से देखें अगर आप थोड़ी सी भी ताकत समझें बैरून मुल्क रखी जाती है पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान में हलचल के हवाले से सर एक तरफ ये सारी मुसीबतें हैं ये हमें इसके बर्क बैग्स हैं ये रोलेक्स और पैथिक फिलिप की घड़ियां हैं ये महल हैं हॉलैंड और हॉलैंड की बंदूकें हैं और जहाँ जहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ हैं स्विस बैंक अकाउंट्स हैं ये सब और दूसरी तरफ एक साहब हैं जिनकी दहशत गर्द तनजीमों के साथ रवाबित को आप रूल आउट नहीं कर सकते तो शेख साहब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स और आपके इंटरनल मिलिट्री फैक्टर्स इस एक बात को उस बाकी चीज़ से ज़्यादा भारी समझते हैं और नवाज़ शरीफ साहब की सियासत पिछले चार साल से साढ़े तीन साल से ये नहीं साबित कर पाई कि वो वाकई में एक सेंट्रल पॉलिसी लेते हैं एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ और उनका वोट बैंक एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स में नहीं है क्या मैं सही कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं और इस मुल्क में ये भी आप याद रखें आप इसे जो मर्ज़ी कहें इस्लाम की इंतहा पसंदी जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज़ की बजाय कम नहीं हुई आगे बढ़ी है आज इस्लाम का पाकिस्तान में ज़्यादा ज़ोर है और ये सारे लोग जो हैं जो सियासतदान हैं इनके चेहरे इनके हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और हैं इसीलिए मैंने कहा दे आर नाट वट दे आर इस मुल्क में एक ताकत जो है वो लड़ रही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लेकिन एक हद तक वो लड़ सकती है इससे ज़्यादा वो नहीं लड़ सकती वो जहाँ कोशिश करती है क्योंकि शायद वो शिमाली वजीरस्तान पर जाएँ लेकिन वो अमेरिकन डेट में नहीं जा सकते सो हमारे हर अदारे के अंदर एक नया भौचाल है एक नई सोच पैदा हो रही है एक नए मसाइल हैं जिसका कि सियासतदान सिर्फ ये चाहता है कि उसकी हुक्मरानी तवील हो मुल्क जाए जिस मर्जी तरफ जाए जिस तरफ मर्जी लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि कौम की हालत क्या है वो ये समझते हैं कि हम है, तो हमारी दौलत महफूज है, हमारी दौलत दुरुस्त है। दुरुस्त लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इस सब कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता जब दूसरी तरफ अपोजिशन लेकिन ये ले, ले, कॉमेंट करना चाहूंगा आप दोनों से डिसग्री करते हुए स्पेशली मोई से डिस क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने साढ़े तीन साल में हमें यह नहीं साबित करके दिखाया कि उनका इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं जबकि सवाल ये होना ही नहीं चाहिए सवाल तो ये कि आपने क्या सबूत है आपके पास कि वो दहशत गर्द तनजीमों से मिले हुए हैं मैं मोहित से भी आपसे भी ये पूछूंगा ये इल्ज़ाम जो नवाज़ शरीफ साहब पर लगाया जाता है ये हक बजाना है क्या क्या एविडेंस है कि वो दहशत गर्द तनजीमों से मिले हुए हैं किसी भी तरह से किसी भी तरह से क्या एविडेंस पाकिस्तान में दहशतगर्द तनजीमों की डेफिनेशन भी जो है देखें कल जो ओस्लो में वाक हुआ है उसको किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा नहीं सर सब उसको एक्ट ऑफ वायलेंस कहा सर, सब ने कहा है वो देखें तो है? है, दहशत गर्दी की जो तारीफ है कि अगर आप कश्मीर की जिदोजहद आजादी को दहशतगर्दी नहीं करार दे सकते यू एन चार्टर के तहत अगर एक लोग जो है एक अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं गो के उसमें सारी सोचें जो हैं मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हैं आप सारे पठानों को एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते या सारी मजहबी तनजीमों को आप एक ही दायरा में नहीं ला सकते पहले ये दहशत गर्द बनाए किसने ये दहशत गर्द जब अफ़गान वार हो रही थी तो दरस नज़ामी का कोर्स करके ये जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस पर हाथ किसने रखा हुआ था ये ब्लू वाइट किसके थे क्या पर... उस वक्त हमारी सोच नहीं थी कि कल ये सारे हमें गले पड़ेंगे जब ये कश्मीर में जाते थे तो उस वक्त ये मुजाहिद थे जब हमने कश्मीर के रास्ते बंद कर दिए तो ये वजीरस्तान में चले गए तो इन्होंने इंतकाम लेना चाह किसी का भाई शहीद हो गया था किसी का कोई तो हम सारी कौम ने बजाय उनको इसला हमने उनको रास्ता कौन सा दिया हमने अफगान वार के बाद किसी मुजाहिद को पुरसकून जिंदगी गुजारने का रास्ता नहीं दिया उन्होंने अपने ग्रुप दर ग्रुप बना लिए और उन्होंने अपने ज़राए तलाश कर लिए उन्होंने अपने रास्ते ढूँढ लिए उनको किसी हाइड आउटों की ज़रूरत नहीं थी उनको सारे हाइड आउट पता थे उन्होंने अपने फंडिंग के लिए अपने अरेंजमेंट कर लिए किसी फ़ंड के वो मोहताज नहीं रहे सो हमारी पॉलिसीज़ जो है मैं समझता हूं वो दीवार के सामने लगी हुई तस्वीर को तो देख सकती थी दीवार के पीछे उभरने हुए तूफानों को वो देखने का अंदिया नहीं कर सकती थी या उनमें थैंक यू वेरी मच शेख साहब आपने हमें अपना वक्त दिया सर थैंक यू वेरी मच फॉर अस और हैदर वहीद आपने मुझसे अगर कोई सबूत हो तो सबूत तो नहीं लेकिन मैं सवाल इस वजह से करता हूँ हाफिज सईद साहब को शहबाज शरीफ साहब ने फोन करके कहा अपने अकाउंट खाली कर लो ये बंद करने वाले हैं विकील का इंकशाफ राना सना की तस्वीरें खींची एक और कलदन तंजीम के सुपीरियर के साथ अपने इलेक्शन से पहले और फिर शहबाज शरीफ साहब सब के सामने कैमरास के ऊपर फरमाते हैं हमारा हमारी जान छोड़ दो हम तो मतलब नहीं लेकिन चीज दिखाती है अगर आप किसी के साथ तस्वीर खिंचते हैं या किसी से बात करते हैं तो अमरीकन तालिबान से बात करने की बात कर रहे हैं तो ये मुझे तो कोई कंक्लूसिव ऐसी बात नहीं है हो सकता है कि ये फिर ये चीजें से चीज है सवाल पूछना, सवाल पूछना है। ये दुरुस्त है लेकिन ये कंक्लूड कर लेना कि वो इस हद तक खतरनाक है किसी वजह से कम से कम मेरा ये कंक्लूजन अभी नहीं है सवाल उनसे जरूर करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है और आपको भी चाहिए कि इस हवाले से आप सवाल करें और हमें राय दें एट एजेंडा थ्री सिक्सटी एट सी और हमारा ये वाला शो अगर आपने मिस कर दिया हो या प्रीवियस कोई भी शोज आप देखना चाहें तो आप एजेंडा थ्री की फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं इंशाल्लाह अगले हफ़्ते एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी देखते रहिए सीएनबीसी पाकिस्तान